अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो भी अनुपात यही आएगा, नहीं करेंगे तो भी अनुपात यही आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का टाइम सेम है तो अनुपात वही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल मिला के कितना कितना हो रहा है, टोटल मिला के जो देंगे 8 2 10 10 और 3 13, यहाँ पे टोटल मिला के हो रहा है 13। अब हमको किसका हिस्सा दिया हुआ है, बी का। यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है 2, और टोटल में बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है 3600। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 3600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी पता है ना, 3600 में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 3600 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3600 / 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 1800 आया। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 1800 में टोटल हमारा कितना है, तीनों का मिला के, तीन प्रॉफिट में 3 हिस्सा इसको मिला, 2 हिस्सा इसको मिला, 8 हिस्सा इसको, मतलब टोटल प्रॉफिट का क्या था, 13 था। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, तो इस 1800 का गुणा हमको किस में करना पड़ेगा, 1800 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में आएगा 8 × 24। इससे कोई ऑप्शन है ही नहीं, थोड़ा सा देखिए कितना पता है आपको, 9 दी जाएगा, लास्ट में 400 आना चाहिए, क्योंकि 1800 और 13